हमने आपको खबर बताई थी कि एशिया कप के लिए भारतीय टीम का चयन जो है वो 8 या 9 अगस्त को होगा, लेकिन अब दो बड़ी इंफॉर्मेशन आ रही है और बहुत बड़ी अपडेट है। पहला अपडेट ये है कि चयनकर्ताओं ने सभी खिलाड़ियों से कह दिया है कि एशिया कप से लेकर टिल द वर्ल्ड कप आपको कोई रेस्ट नहीं मिलेगा, चाहे वो कितना भी बड़ा प्लेयर क्यों ना हो। जो कि बराबर आप देख रहे थे कि जसप्रीत बुमराह या रोहित शर्मा या ऋषभ पंत या फिर आप विराट कोहली, सबको रेस्ट दिया जा रहा था। चयनकर्ताओं ने साफ साफ कह दिया कि राइट फ्रॉम एशिया कप टिल वर्ल्ड कप आपको कोई रेस्ट नहीं दिया जाएगा, और इस दरमियान आपको 3 जो टूर्नामेंट खेलना है, एक एशिया कप खेलना है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आपको खेलना है, साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलना है, और उसके बाद आपको सीधा वर्ल्ड कप में खेलना है। लेकिन एक और बड़ी इन्फॉर्मेशन आ रही है, और इन्फॉर्मेशन ये है कि विराट कोहली ने चयनकर्ताओं को कॉल करके कहा है कि वो चयन के लिए अवेलेबल हैं, यानी कि वो एशिया कप खेलना चाहते हैं और वो अवेलेबल है। अगर चयनकर्ता सेलेक्ट करना चाहते हैं तो ही इज अवेलेबल। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि एक सोर्स जो पहले ये कह रहा था कि विराट कोहली को वेस्ट इंडीज दौरे पर ड्रॉप किया गया है, क्या चयनकर्ताओं को कॉल करना विराट कोहली का और यह कहना कि मैं अवेलेबल हूं, अब इस बात की पुष्टि करेगा। अगर विराट कोहली की वापसी हो जाती है एशिया कप में, देन तो यही माना जाएगा कि विराट कोहली रेस्ट कर रहे थे। लेकिन अगर एशिया कप में विराट कोहली को नहीं चुना जाता है तो फिर वो सोर्सेज सही साबित हो जाएंगे जिनका कहना था कि वेस्ट इंडीज दौरे पर विराट कोहली को ड्रॉप किया गया है, यानी कि अब बहुत जल्दी आपको पता चलने वाला। लेकिन विराट कोहली का कॉल करके कहना कि मैं अवेलेबल हूं चयन के लिए, यह बताने के लिए काफी है कि कहीं ना कहीं प्रेशर विराट कोहली के ऊपर में भी है कि टीम मैनेजमेंट उनके बारे में सोचे और टीम मैनेजमेंट उनको बिल्कुल भी इग्नोर ना करे। वहीं पर कई दफा आप इससे पहले कब आपने सुना था कि विराट कोहली कॉल करके कह रहे हैं चयनकर्ताओं को कि भाई मैं अवेलेबल हूं, जो सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन आ रही है। लेकिन अच्छी बात है, अगर विराट कोहली को चुना जाता है, अगर विराट कोहली द किंग कोहली परफॉर्मेंस कर देते हैं तो टीम इंडिया के लिए इससे अच्छी बात नहीं होगी। लेकिन चयनकर्ताओं के हाथ में अब बॉल है, उनका क्या फैसला होगा ये 8 या 9 अगस्त को आपको पता चल जाएगा। लेकिन इसी तरीके के इन्फॉर्मेशन के लिए बने रहिए आप स्पोर्ट्स टॉक के साथ में, कोई भी बड़ी छोटी खबर आएगी आपको हम इस चैनल पर जरूर इन्फॉर्म कर देंगे।